Hello students, good morning. Today in this video I will start digestion and absorption का हमारा second part चलेगा बच्चों. इससे पहले जो digestion और absorption जहाँ से start होता है पूरी मैंने आपको elementary canal बता दी थी कि mouth, esophagus किस तरह से आपकी large intestine तक associated है. और इसमें जो digestion में क्या इन्वॉल्व है मैंने आपको ये भी बताया था. एक तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल और कुछ होती है हमारी एसोसिएटिव ग्लैंड्स या डक्ट. तो इनकी पूरे जो प्रोसेस होता है इनका क्यूमुलेटिव जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन. ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, तो वन बाय वन करके हम पूरे एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी करेंगे. तो हेड आ गई बच्चों माउथ. क्या हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होती है कहाँ से बच्चों, हमारे माउथ से. तो माउथ के टू पार्ट होते हैं. एक होती है हमारी कौन सी, ओरल कैविटी. और दूसरी होती है इसमें हमारी क्या, ग्लैंड्स. क्या होती है बच्चों, ग्लैंड्स. इस ओरल कैविटी में हमारे होते हैं टीथ, दांत और टंग. टीथ एंड टंग. ठीक है, एक होते हैं टीथ, दूसरी चीज होती है टंग. ग्लैंड्स में हमारी कौन सी आती है, सैलाइवरी. सैलाइवरी ये क्या, सैलाइवरी. सैलाइवरी ग्लैंड्स. अब देखो होता क्या है, जब हम अपने फूड को माउथ में लेते हैं तो फूड कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, दांतों से उसको चबाते हैं और टंग के थ्रू उसको मुंह में इधर उधर घुमाते हैं. मिक्स करते हैं, मिक्स करते हैं क्या, सलाइवा. सलाइवा तो जो ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड, इसमें से अपना कुछ सिक्रीशन रिलीज करती है उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, सलाइवा. क्या बोलते हैं, सलाइवा. तीन टाइप की होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स. कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल. ग्लैंड्स कितनी होती हैं, तीन होती हैं. कौन कौन सी, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या इसको हम सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल. तीन टाइप की ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल. अब देखो ये कैसे कैसे प्रेजेंट होती है. पैरोटिड जो हमारे कान होते हैं ना, साइड कानों के पीछे जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें बोलते हैं बच्चों पैरोटिड ग्लैंड. सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो हमारा जॉ होता है, ये ग्लैंड्स होती हैं कहाँ, हमारे जॉ के पास. और जो सब लिंगुअल होती हैं वो होती है लिंगुअल हमारी जीभ के नीचे. लिंगुअल स्टैंड फॉर टंग. ठीक है, तो तीन टाइप की पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल. और इनके एक्यूमुलेटेड जो इनका सिक्रीशन होता है उनको हम बोलते हैं बच्चों क्या, सलाइवा. ठीक है, अब बात आती है हमारी टीथ और टंग की. ह्यूमन में जीवन में दो बार दांत आते हैं, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ. टू टाइप के होते हैं, मिल्क टीथ जो छोटे छोटे बच्चों के आते हैं ना, बोलते हैं ना दूध के दांत, पांच साल के बाद वो झड़ जाते हैं और हम जैसे क्या आ जाते हैं, परमानेंट टीथ. तो दो बार आते हैं जीवन में दांत, एक होते हैं मिल्क टीथ और दूसरे परमानेंट टीथ. तो टीथ कैसे हो जाते हैं, एक होते हैं हमारे मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ मिल्क टीथ छोटे बेबी बच्चों में आते हैं, छोटे बेबीज में आते हैं और पांच साल की उम्र तक ये झड़ जाते हैं. पांच साल के बाद जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ. अगर कोई बच्चा है छोटा है, जब वो चॉकलेट ज़्यादा खा रहा है तो खा ले, ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि पता है पाँच साल के बाद दांत झड़ जाएंगे. अगर उसके बाद उसने वो टीथ
चॉकलेट खाई तो जितने भी जर्म्स हैं उसके परमानेंट टीथ पे अटैक करेंगे और वो परमानेंटली उसको डैमेज कर देंगे, फिर कोई टीथ नहीं आएगा। ब्रश करेंगे उसके बाद? ब्रश अगर रेगुलरली आप ब्रश करो, बोलते ना आती हर चीज बुरी होती है, ब्रश आपने कर लिया, गुड क्वेश्चन, ब्रश आप दो बार कर सकते हो, बट कुछ ज्यादा ही वो खा रहा है, एक्सेसिव यूज में खा रहा है, तो एक टाइम के बाद अगर आप कितनी भी हाइजीन रख लो वो कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो देखो दो टाइप के ट्रीट हुए, एक हुए मिल, एक हुए परमानेंट। अब एक फॉर्मूला आता है दांतों का, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, 2 1 2 3 2 1 2 3, ये डेंटल फॉर्मूला होता है एडल्ट का। अब इसी बेस में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे ह्यूमंस में चार टाइप के दांत मिलते हैं, उन टाइप इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो कौन कौन से हैं लिख लीजिए, इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर्स कौन से होते हैं, जो हमारे आगे के दो वाले दांत होते हैं ना बड़े बड़े, ये सबके होते हैं, जो स्माइली वाले होते हैं, अगर हम बर्गर खाते हैं ना यूं करके, बर्गर को काटने में हेल्प करते हैं, जब हम पिज्जा खाते हैं उसको काटने में हेल्प करते हैं, किसी भी चीज को आगे से काटने में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं हमारे इंसीजर। आगे के वाले जो दांत होते हैं ना, केनाइन, जो गन्ना खाते हैं और लेग पीस जो खाते हैं हम, वो हमारा केनाइन हेल्प करता है, लेग पीस और गन्ने को खाने में हमारा हेल्प करता है बच्चों केनाइन। जो लेग पीस क्या होता है, जो हमारा हैंड होता है ना बच्चों, उसके जो चार लेग होते हैं, लोग बाग उनको बड़े चाव से खाते हैं, क्यों नहीं होते, हैंड के चार होते हैं, अरे दो होते हैं कुछ, मतलब केएफसी में जाओ अपना लेग पीस लेग पीस ही मिलेंगे। तो जो हमारे जो केनाइन वाले जो टीथ होते हैं ना, ये हमारे चीरने और फाड़ने वाले दांत, जो हमारे इंसीजर है इनको हम काटने वाले दांत बोलते हैं, और जो हमारे केनाइन होते हैं वो होते हैं जो चीरने और फाड़ने वाले। ह्यूमन में ये दांत छोटे हो गए क्योंकि ह्यूमंस ओमनीवोर्स है, बट जो कार्निवोर होते हैं लाइक आपके लायन टाइगर, उनके जो केनाइन होते हैं ना वो ऐसे शार्प शार्प होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे इतने लंबे लंबे होते हैं उनके, ये करके दिखाते हैं वो ना, उसको दिखाता है उसको, देखते ही बढ़ जाओगे आप। तो हम लोगों में ह्यूमंस के केस में जो केनाइन है वो छोटे हो गए क्योंकि हमने मांसाहारी से हमने अपना शाकाहारी जीवन भी एडॉप्ट कर लिया, और हमारे माउथ में भी इतने बड़े बड़े बहुत ऑड लगता, तो ऊपर वाले ने कहा कि चलो यार इसको स्माइल, आदिवासी है तो बच्चा वो ह्यूमन ही, पहले थोड़े बड़े होते होंगे, बट बोलते ना एवोल्यूशन होता जा रहा है, तो हम भी इन अभी हम होमो सेपियंस से आ गया, होमो सेपियंस सेपियंस ना हो जाए, ये भी तो हो सकता है हमारे पर लग जाए हम उड़ने लगे, भाई कुछ भी हो सकता है, एवोल्यूशन है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में सब कुछ चीज चेंज हो जाती। हम सब किससे बने, बंदरों से तो बने, पहले बंदरों की पूछती है, भाई तो पूछ भी नहीं, सारे बंदर एक जैसे रखते हैं, और हमें लगता है ऐसा कि बंदर सारे एक से, सारे बंदर सोचते हैं कि सारे इंसान एक जैसे, वो भी तो सोचते होगा, उनकी भी तो अपनी थिंकिंग, देखो उनके भी इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन वाला चैप्टर आप में से है पता नहीं हट गया, तो देखो इवोल्यूशन में धीरे धीरे चेंजेस, धीरे धीरे जो एडवांस कैरेक्टर हैं वो हमारे आते जाते हैं। तो देखो इंसीजर जो होते हैं वो काटने वाले दांत होते हैं, आगे के जो केनाइन होते हैं चीरने और फाड़ने वाले होते हैं, और प्रीमोलर और मोलर ये पीसने वाले दांत होते हैं, कौन से, ग्राइंडिंग टीथ, क्या बोलते हैं हम, ग्राइंडिंग टीथ, जैसे कि मिक्सी होती है ना, मिक्सी में जो ब्लेड लगे होते हैं मसाला डालो ग्राइंड हो जाता है, इसी तरह से आप देखिए आपने कुछ खाना खाया और फिर अगर आपने एप्पल खाया था वो ऐसा था, कुछ इस टाइप का ही होता है मुझे लगता होगा, ऐसे तो होता है एप्पल, ऐसे तो होता है, इस एप्पल को मैंने खा लिया और फिर मेरे इंसीजर से मैंने खाया और प्रीमोलर और मोलर से मैंने इनको ग्राइंड कर दिया, और बाद में मैं ऐसे देखूँ क्या ये एप्पल जैसे ही दिखेगा, नहीं दिखेगा क्योंकि वो पिस चुका है। तो मेरे प्रीमोलर और मोलर कौन से टीथ है बच्चों, ग्राइंडिंग, ठीक है,
इंसीजर काटने वाले, केनाइन चीरने फाड़ने वाले, प्री मोलर और मोलर पीसने वाले, सिलबट्टा, चटनी बनाते थे ना, चटनी क्या होती है जो आलू के पराठे से बहुत शौक से खाई जाती है, इसमें प्याज उन्हें भी क्या डालते हैं, ग्रीन चिली, हरा धनिया और क्या डालते हैं, बहुत सारी चीजों की बनती है जो भी है। तो इसका कुछ ऐसा टेंडर फॉर्मूला है, इसको इंटू टू करके हम निकालेंगे। देखो दो ऊपर के इंसीजर, दो नीचे के, कितने, चार, चार को जब दो में कितने हो गए, आठ, मैथ कर रहा हूँ, एक और एक केनाइन, दो दो और दो चार, दो और दो चार, दो आठ, आठ आठ, तीन और तीन छह, दो बारह, तो हमारे कितने पीरियड होते हैं बच्चों, 32। जो एक एडल्ट मैन है उन लोगों में होते हैं 32 कीट, पर हम लोगों की जो जनरेशन है हम में है 28, क्योंकि हमारे विजडम टीथ था, गिन लो तुम अपने, दो नहीं है, तुम्हारे तो 26 ही होंगे, और क्या, गिन लो गिन लो, मुंह ऐसे करके खोलना, ई करके, इससे तुझे इससे गिनवा लेना, पेन से गिन देगा ये ऐसे करके, ठीक है, तो हम लोगों में कितने 28, क्योंकि अभी हमारे विजडम टीथ नहीं आए, जिसको बोलते ना कलदार, आप गिनो तो आपके प्री मोलर और मोलर पूरे पूरे धुलना होते नहीं आते, 25 साल के बाद आती है, कौन सी आया आपके, क्या कह रही नहीं मेरे नहीं आई, आपके नहीं आई, आपके नहीं आई, 25 साल 25-30 साल के बाद ही आते हैं विजडम टूथ। तो देखो जो मेजॉरिटी है ये हमें बताया, जो ये डेंटल फॉर्मूला है किसके लिए बच्चों, एडल्ट्स के लिए, एडल्ट्स में है, बट एडल्ट्स में 32 टीथ होंगे, बट ये 30 या 32 साल के बाद हमारा विजडम टूथ निकलना स्टार्ट होता है, ये जब आएगा, और अभी जो मेजॉरिटी में है वो कितने दांत हैं, 20, समझ में आया, इसमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ सकता है आपको, जो ये फॉर्मूला है 2 1 2 3 इसमें क्या नहीं है, केनाइन नहीं, ऑप्शन देगा चार, प्री इंसीजर केनाइन प्री मोलर मोलर बढ़िया पट होंगे, क्या नहीं है इसमें, केनाइन नहीं, कैसे पता पड़ेगा, 2 1 1 2 2 1 1 2 कौन कौन से कम है उनका वो क्या दे देगा, कितने दांत हो रहे हैं, हमें इसे काउंट करना पड़ेगा कितने दांत हो रहे हैं, वो ये दे सकता है, इनका सीक्वेंस चेंज कर सकता है, तो क्वेश्चन एक ऐसे आते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट भी पूछता है कि टेंशन फॉर्मूला क्या है, हां अब बात आती है हमारी किसकी बच्चों, टंग की, जो कि कैसा है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है, और जो हमारी बोलने में हेल्प करता है, बोलते ना अपना व्यवहार ऐसा बनाओ जैसे जीभ रहती है दांतों के बीच में, अपना व्यवहार ऐसा बनाओ जैसे जीभ रहती है दांतों के बीच में, देख रहे हो सब खतरनाक लोग हैं फिर भी देख लो मस्कुलर ऑर्गन है, और खूब जो कभी कट भी जाता है, कभी कभी चांसेस बहुत कम है, दिनों रात रहती है और फाइट करती है तुमसे, और तुमसे ऐसे ऐसे काम करवाएगी, तुम्हारी जुबान से ऐसे ऐसे काम करवाएगी, तुम्हारे दांत भी टूट जाएंगे, करवाती है, सही बात कह, करवाती है, बोलते ना जुबान, जो बोलते ना हमारा जो व्यवहार ही होता है, जो सब कुछ दांतों के बीच में रह रही है, दांतों से कम शक्तिशाली है, और दांत तुड़वाने की भी इसमें ताकत रखती है, तो अपना व्यवहार ऐसा बनाओ, ठीक है। अब आती है टंग, टंग कैसी है, हमारी मस्कुलर ऑर्गन है, इस टाइप की कुछ होती है, अब ये किसमें हेल्प करती है, ये हमारे बोलने में हेल्प करती है, हमारे खाने में हेल्प करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज टेस्ट बड्स, इसमें क्या होते हैं बच्चों, हमारी टंग पे होते हैं टेस्ट बड्स, इन्हीं की वजह से हम जो स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाते हैं ना, नैना जी नहीं खाऊ, पालक देखते तो मेरी भूख उड़ जाती है, ये पूरी जीभ पे होते हैं, तो हमारी जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं बच्चों, हमारी जीभ के ऊपर, जो हम डिफरेंट टाइप का फूड बड़े चाव से खाते हैं ना, तो ये टेस्ट सिर्फ इन्हीं की वजह से होता है। अब चलो बात करते हैं टेस्ट बर्ड्स की, टेस्ट बर्ड्स हमारी जीभ पे होते कैसे, बेसिकली टंग पे होंगे क्या हमारे टेस्ट बर्ड्स,
एक ही चाहिए दो बोलिए। कौन कौन से टेस्ट ये लेती है? खट्टा, बिटर, कड़वा, स्वीट, मीठो, खट्टा, सॉल्ट, शॉर्ट, बिटर एंड सोर, मीठा, नमकीन, कड़वा और खट्टा। Yes, लोगों को इमली खाना बहुत पसंद होता है, किसी लोगों का कच्ची कैरी बहुत पसंद होता है, मुझे तो आम बहुत पसंद है। तो सबका अपने अपने टेस्ट होंगे, किसी को करेला बिल्कुल पसंद नहीं होता और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को बहुत पसंद होता है। तो देखो ये टेस्ट बर्ड आता नहीं करा करो तुम लोग, जो ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये हमारी पूरी टंग पे होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? पैपली। पैपली क्या बोल? अब देखो ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ होंगे, कुछ ये यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, ऐसे करके होते हैं। हाँ ऐसे करके होते हैं। आज देख लो जो हमारी आगे की टिप ऑफ दी टंग होती है वहाँ होता है हमारा स्वीट टेस्ट। यहाँ सही लगेगा, कोई भी चीज मीठी खाते हो ना वो यहीं से पता चलती है। क्या है? वो पीछे जाके लगता है। जो हमें इधर ही साइड ये पूरे आपस में मिले जुले से रहते हैं, मतलब आगे आगे हम बोल सकते हैं स्वीट वाला टेस्ट है, इसके जो पीछे इधर वाला जो सबसे लास्ट होता है ये इधर हमें होता है सॉर, मतलब खट्टा, खट्टा वाला जो कच्ची कैरी वाले जो लोग होते हैं, जो इधर वाले होते हैं वो होता है सॉल्टी और इधर ही साइड में होता है आपका क्या? बिटर। बिटर और सॉल्टी टंग की जो साइड्स होती हैं वहाँ होगा, टिप ऑफ दी टंग स्वीट होगा और जो पीछे है वहाँ होगा सोर। ठीक है, बीच में क्या होगा? बीच में वही जो होता है ये ऐसे होते हैं बेटा, बीच में आप नहीं बोल सकते, ये कुछ ऐसे होते हैं टेस्ट बर्ड्स, ये यहाँ तक जा सकती है, ये ऐसे आ रहे हैं, यहाँ हो गया कहाँ रहा इसमें बीच। सोर और सॉल्ट और जो बिटर वाले टेस्ट होते हैं वो हमारी साइड्स में होते हैं और जो स्वीट वाला होता है जिसमें हम चॉकलेट टेस्ट करते हैं वो हमारा आगे वाला होता है और जो पीछे इमली वाला टेस्ट है खट्टे वाला। इमली। ठीक है, बातें नहीं कर रहा तो बहुत बातें करते हो। मैं वो बता रहा हूँ। तो देखो हमारे माउथ में छोटा सा माउथ में कितनी सारी चीजें भरी रहती हैं। ओरल कैविटी या जिसको हम बोलेंगे बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, क्या बोलेंगे? बक्कल या ओरल कैविटी, और है हमारी एसोसिएटिव ग्लैंड्स। ठीक है, ओरल कैविटी में हमारी टीथ है और मस्कुलर टंग है। टीथ दो टाइप के होंगे, एक होंगे मिल्क टीथ, दूसरे हैं परमानेंट टीथ। कौन कौन से टीथ होते हैं वो आपको बताया, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, देन मोलर्स, किस फॉर्मूले में होते हैं, 2-1-2-3 में होते हैं, 32 टीथ मिलेंगे और ये मिलेंगे एक एडल्ट मैन में, और जो आज जनरेशन होती है 25 से पहले के लोग उनमें 28 टीथ तक मिलते हैं। ठीक है, हमारी जो टंग है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में भी हमारी हेल्प कर रही है, टेस्ट को फील करने में भी हेल्प कर रही है और मिक्सिंग ऑफ दी फूड में भी हमारी हेल्प कर रही है। ठीक है, टंग पे है हमारे टेस्ट बर्ड्स, चार टाइप के टेस्ट बर्ड्स होंगे, स्वीट, सॉल्ट, बिटर एंड सॉल्ट। कुछ होती हैं बच्चों हमारी ग्लैंड्स जिनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, इनका जो सिक्रीशंस है ग्लैंड्स का, इनके सिक्रीशन को बोला जाता है सलाइवा। तीन टाइप की ग्लैंड्स मिलेंगी मुंह में, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। कानों के पीछे, जीभ के नीचे, जबड़े के नीचे, कानों के पीछे, जीभ के नीचे, जबड़े के नीचे, याद हो गई? तीन टाइप की है, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इनका जो कलेक्टिव सिक्रीशन है उसको बोलेंगे हम सलाइवा। ये पूरा पार्ट क्या है बच्चों आपका? माउथ। ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या? ये माउथ का पूरा जो पार्ट था, इसी तरह से हम एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट को स्टडी करेंगे। हमने स्टार्टिंग की थी माउथ, फिर क्या आएगा आपका? ईसोफेगस, फिर जे शेप का ये मेरा टमी, स्टमक, स्टमक
जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन प्लस सीकम कोलन और रेक्टम के थ्रू हमारा जो फीकल मैटर है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो एनस के थ्रू क्या करता है बच्चों, रिमूव कर जाता है। तो आज हमने एलिमेंट्री कैरियर का सिर्फ एक ही पोर्शन पढ़ा, दिस इज माउथ। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाली क्लास में जो इसके आगे के पोर्शन है वो एलिमेंट्री कैनाल के मैं बताऊंगी। जब तक के लिए इन वीडियोस को आप देखिए, समझिए और जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलती है नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।